तो आज मैं टैंकर शिप्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, लोडिंग के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, वर्क क्या होता है टैंकर शिप्स में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये होज डिसकनेक्ट हो रहा है अभी। तो ये SVM करते थे हम लोग जब जाते थे यमन में, तो SVM के ऊपर बात करता हूँ और लोडिंग कैसे करते हैं पोर्ट में, कैसे होते हुए लोडिंग, इसके ऊपर बात करता हूँ। तो पहली बात तो ये, जैसे कि आप लोग देख रहे होगा अभी होज डिसकनेक्ट हो रहा है, लेकिन जब भी आप SVM करोगे तो वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जट्टी के पास में हम SVM करते हैं। कोई भी शिप्स में आप जाओगे, जैसे कि टैंकर शिप्स हैं, तो कई कई शिप्स SVM करती है, कई शिप्स STS करती हैं, कई शिप SPM करती है, सिंगल पॉइंट मूरिंग होता है। तो हमारा शिप SVM करता था यमन में जाके, लोड करते थे हम पोर्ट पे, करते थे लोड और कभी कभी STS करते थे। और आज के ऊपर मैं SVM के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देखो SVM में सिंपल सा काम क्या होता है, SVM में बेसिक ये होता है, एक होज आती है पानी के अंदर से आती है होज, वो सीधा शोर पे जाती है, शोर के टैंक पे जाती है, और ये होज़ पूरा पानी में रहता है। और यहाँ पे एक ठो बैलून टाइप लगाते हैं कि वहाँ पे लोकेशन रहेगी, हाँ भाई ये एक SVM का एक पॉइंट होता है। कोई भी पोर्ट्स में, कई कई शिप्स में होता है SVM का एक पॉइंट बनाया गया रहता है, जहाँ की टैंक के ऊपर जाता है वो कनेक्शन। तो हमारे शिप में जो यमन में हम जाते थे, अलमुकल्ला जाते थे, वहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया था जहाँ पे शिप्स रुकता था, और वहाँ पे कनेक्ट होता था होज, कनेक्ट होता था हमारे मैनीफोल्ड में, और डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र करते थे। तो SVM हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते थे बाय पंप। और अगर आप पोर्ट में भी जा रहे हो तो पोर्ट पे भी होता था, कई कई बार STS भी हो जाता है, शिप टू शिप होता था। लेकिन इसका सिंपल वर्क होता है, एक होज आएगी सीधा मैनीफोल्ड पे लगेगा और पंप स्टार्ट हो जाएगा। पंप और सीधा जो ऑयल होता है वो सीधा टैंक में जाता है, जो उनके पास टैंक होता है, जो पोर्ट के पास टैंक होता है, तो वहाँ पर जाके वो फिल होता है। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो चलता ही रहेगा। और लास्ट में इसका काम होता है स्ट्रिपिंग करना या पुशिंग करना, लाइन को पुशिंग करना, जितने भी ऑयल होते हैं जो पाइपलाइन में बचे रहते हैं उसको हम पुश करते थे। और लास्ट में पूरा जब स्ट्रिपिंग ख़त्म हो जाता था, पुशिंग ख़त्म हो जाता था, उसके बाद होज डिस्कनेक्ट करने वाले आते थे। तो ये काम होता है सिंपल सा। और जैसे कि लोडिंग करते हो सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे रिड्यूसर लगा रहता है, जब हम पोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे रिड्यूसर रहता है, रिड्यूसर से ऑयल ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे सिर्फ हम पाइप लगाते हैं, होज लगाते हैं, जिससे हम ऑयल ट्रांसफ़र करते हैं शोर वालों को, जो शोर का पोर्ट होता है। तो SVM का बेसिक वर्क यही होता है, क्योंकि कई लोग को नहीं मालूम होगा SVM, कई बंदे नए नए शिफ्ट में जाएंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। SVM सिंगल बोया मूरिंग होता है, और इसको कैसे हम यूज़ पे लाते हैं इसके ऊपर बात करता हूँ। देखो यूज़ कैसे होता है, जब हम पोर्ट पे रहते थे तो इसमें सिर्फ आगे दो एंकर देखते हो, आगे दो एंकर डालेंगे और पीछे का जो आर्फ स्टेशन होता है वहाँ से रस्सियाँ देते हैं, जो बोया रहता है, दो पीछे बोया रहता है उसमें जाके वो कनेक्ट होता है। और बोया कनेक्ट होने के बाद उसके बाद हम एक स्टैंड, एक लोकेशन रहता है, वहाँ पर लोकेशन पर लगा देते हैं शिप, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वो शोर वाले आते हैं, जो होज लगाते हैं, वो शोर के बंदे आते हैं, डाइवर रहता है, डाइवर पानी के अंदर जाएगा, वो निकाल के लाएगा होज, और बाकी हम क्रेन के यूज़ से लाते हैं। बेल्ट आप लोग देख रहे होंगे, स्लिंग बेल्ट जाता है नीचे और वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं और वो ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद जो डाइवर्स होते हैं, जो शोर के बंदे होते हैं, वो ऊपर आते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। सिर्फ रिड्यूसर हमारा रहता है, जो भी साइज़ का रिड्यूसर होगा, 10x12 का या 10x8 का रिड्यूसर साइज़ होते हैं, तो वो जाके कनेक्ट होते हैं रिड्यूसर में। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रांसफ़र, बाय पंप स्टार्ट होता है, बाय पंप ऑयल ट्रांसफ़र होता है जो भी शिप्स में आप जाओगे। तो ये सब काम होता है SVM का, सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बस एंकर पे रहता है, दो एंकर फॉरवर्ड में रहेगा और आफ्ट की रस्सियाँ देते हैं। पहले अगर आप पोर्ट पर जाओगे तो आपको फॉरवर्ड की रोप्स भी देनी रहेगी, आफ्ट की भी देनी रहेगी, और जो आपका स्प्रिंग लाइन है वो भी देना रहता है। तो ये काम होता है SVM का। तो डिस्चार्जिंग के बाद ड्राइवर आता है, ड्राइवर जाता है पानी के अंदर, जो कि होज कनेक्ट रहती है अपनी मैनिफोल्ड से, तो वो निकालने के लिए ड्राइवर जाता है और क्रेन के बाय यूज़ क्रेन की मदद से हम उसको नीचे डालते हैं। और ड्राइवर जाता है, वो उसको निकालने के लिए जाता है, तो वो सेम पोजीशन पे लगा देता है दोबारा निकालने के बाद। जैसा कि आप देख रहे होगे ड्राइवर अंदर गया है, तो बाय क्रेन जो स्लिंग बेल्ट होती है वो हम लगाते हैं होज पे, और होज से उठा के नीचे जाता है, और बाद में जो ड्राइवर होता है वो स्लिंग बेल्ट निकाल देता है और अपना जो होज होता है उसका वो निकाल के वो एक सेफ जगह पे रख देता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ शिप टू शिप कैसे होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक डायग्राम हो रहा होगा, एक छोटा सा वेसल और एक टैंकर वेसल आ रहा है, तो वहाँ पे एक पहले हम आगे का रोप देते हैं और आफ्ट का रोप देते हैं, वो लोग एक्चुअली विंच से देते हैं और वो हम कनेक्ट कर देते हैं अपने शिप पे, बोलार्ड पे कनेक्ट कर देते हैं, और उनका जो रोप होता है वो विंच से आता है और फॉरवर्ड या आफ्ट में दोनों जगह से आएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे अभी रोप दे रहे हैं, अभी शिप को हम लोग लगा रहे हैं, और फेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फेंडर ही शिप में डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फेंडर ज़रूरी होता है, और साइड में फेंडर रहता है जिस साइड पे जा रहे हो। जैसे अभी पोर्ट टू स्टारबोर्ड हम कर रहे हैं, तो फेंडर वहाँ नीचे रहेगा और वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और रोप जाएगी फॉरवर्ड की और एक आफ्ट की रोप जाएगी, और बीच में स्प्रिंग लाइन भी देते हैं,
उसके बाद टाइट होने के बाद जब भी शिप पूरा एकदम अच्छे से आ जाएगा नियर जट्टी में, तो उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे आप होस जा रहा है, होस जाके सीधा मैनिफोल्ड में जाएगा वो होस, और उनके मैनिफोल्ड में और हमारे मैनिफोल्ड में जाएगा। लेकिन इस डायग्राम में ऐसा नहीं है, इस डायग्राम में सीधा टैंक डूम ओपन होता है और टैंक डूम में जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब शिप टू शिप करते हैं तो होस जाएगा उनके मैनिफोल्ड में, एक कनेक्ट होगा रिड्यूसर के साथ और एक हमारे में रहेगा। और सेम बंकर प्रोसीजर भी सेम यही होता है, जैसा कि आप देख रहे हो शिप टू शिप होता है, वो भी शिप टू शिप ही होता है बंकर। कई कई शिप में पोर्ट में बंकर लेते हैं, कई कई शिप्स में आप जैसे शिप टू शिप करते हैं एसटीएस करते हैं, सेम वही प्रोसीजर होता है। और होस जाती है सीधा मैनिफोल्ड में, जो कि उनका एचएफओ टैंक होता है या एमडीओ टैंक होता है, डीजल ऑयल टैंक होता है, तो उसमें जाके कनेक्ट होता है। इसमें सिर्फ मैनिफोल्ड में कनेक्ट होता है, जो टैंक टैंक के अंदर जाती है जितने भी टैंक्स हैं और जो एसटीएस करते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक, जिस शिप से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक शिप का पंप चलेगा और दूसरे शिप का सिर्फ ड्रॉप ऑल खुलता है, ड्रॉप ऑल में सीधा ऑयल जाता है। तो एक शिप से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना है, पहले शिप में पंप चलेगा, दूसरे शिप में जो ड्रॉप वॉल है वो खुलेगा। इसमें डिस्चार्ज वॉल खुलता है जो कि जिससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और सेम आप देख रहे हो ये डायरेक्ट टैंक डूम से आ रहा है, टैंक डूम ओपन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई कई शिप्स में ऐसा होता है, लेकिन हमारे शिप्स में या कोई अच्छे टैंक के शिप्स में जाओगे तो ऐसा नहीं होता है, सीधा मैनिफोल्ड में जाएगा, वो मैनिफोल्ड से ही डिस्चार्ज होता है, डायरेक्ट टैंक डूम में डालते नहीं है। इसमें दिखा रहा है, डायग्राम में शो कर रहा है कि यहाँ से टैंक डूम से जा रहा है, और जब तक पूरा ऑयल ख़त्म नहीं होगा तब तक पंप चलेगा, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में थोड़ा बाय एयर पुश करते हैं, जो लाइन में रहता है बाय एयर उससे पुश करेंगे, वरना नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से पुश करेंगे। पूरा ख़त्म होने के बाद जो है कि आपका एसटीएस ख़त्म हो जाता है। सेम बंकर प्रोसीजर भी यही है। अब लोडिंग इन पोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है पोर्ट में जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शिप जैसा कि आ रहा है बाय टक के यूज़ से हम शिप को लेके आते हैं जट्टी के पास, उसके बाद जट्टी के ऊपर लगा देते हैं। टक ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे इंजन का स्पीड बहुत कम हो जाता है, वन और टू नॉट्स की स्पीड पे रहता है। उसके बाद हम जो विंच है, विंच की यूज़ से हम रस्सियाँ देते हैं जट्टी पे, और वो जट्टी पे जाके लग जाती है। उसके बाद जब शिप स्टेबल हो जाता है, उसके बाद जब हम पूरा सब फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम रिड्यूसर आता है, रिड्यूसर जाके सीधा मैनिफोल्ड में कनेक्ट होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे रिड्यूसर आ रहा है, ये मेरे शिप का है और पहले ही लग चुका है रिड्यूसर, अभी ऑयल आ रहा है। हमारा इस टाइम पे पंप नहीं चलता है, पंप बंद रहता है क्योंकि पंप का यूज़ है नहीं इस टाइम पे, क्योंकि जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं उस टाइम पे ही पंप चलता है। अभी लोडिंग के टाइम ओनली ड्रॉप वॉल खुलेगा और आईजी लाइन से हम डालते हैं, आईजी डालते हैं टैंक में। तो ये प्रोसीजर होता है कि पोर्ट में कैसे लोडिंग होती है। ओनली रिड्यूसर आता है और रिड्यूसर सीधा मैनिफोल्ड में कनेक्ट होगा, उसके बाद ऑयल ट्रांसफ़र होता है बाय पोर्ट से हमारे शिप पे। हर शिप में ये होता है, जब भी जो भी शिप जट्टी पर जाएगा जहाँ रिड्यूसर रहेगा वहाँ से ऑयल ट्रांसफ़र होता है, और ये सारा कंट्रोल होता है सीसीआर से, और इसका इंचार्ज होता है चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर। मेन इंचार्ज चीफ ऑफिसर होता है जो कि ये सब कुछ करता है बेसिक, क्योंकि ये चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है, और ओवरऑल इंचार्ज मास्टर होता है जो कि ऑयल लोडिंग और डिस्चार्जिंग होती है, और सारा कंट्रोल जो पंप चलता है वो सीसीआर से चलता है, जो कि डिस्चार्ज वॉल हो, ड्रॉप वॉल हो, आईजी लाइन हो, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। ओवरऑल जो कंट्रोलेशन होता है शिप का वो यहाँ से होता है, और मेन जो पावर देता है वो इंजन रूम से पावर आता है यहाँ सीसीआर पैनल्स में, और यहाँ से सब कंट्रोल होता है। यहाँ पे सारे वॉल्व्स का, आईजी लाइन का, सेग्रीगेशन वॉल्व का, और आपका जो भी पंप है सब का यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वहाँ से ऑन होता है। ब्लास्टिंग भी यहीं से होती है, सब कुछ यहीं से होता है। ओवरऑल समझ लो सारा शिप का काम, लोडिंग, डिस्चार्जिंग, ब्लास्टिंग, सब कुछ सीसीआर से होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ओवरफ्लो टैंक, अलार्म, सब कुछ जितने भी अलार्म्स होते हैं सब सीसीआर में शो करता है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सीसीआर में बता देगा पहले ही। देन लोडिंग के बाद शिप निकल जाता है अपने डेस्टिनी के लिए, जो भी डेस्टिनेशन है उसका। तो लोडिंग करने के बाद सब कुछ फ्री हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है टैंक के शिप्स में। बाकी जो भी नॉर्मल वर्क होते हैं, डे टू डे रूटीन वाले वर्क होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत है, जैसे विंच है या कहीं चिपिंग करनी है, बफिंग करनी है, वो सब वर्क स्टार्ट होता है शिप में, और बाकी नॉर्मल होता है। ओनली डिस्चार्जिंग और लोडिंग के टाइम पे ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोसीजर होता है। और सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता टैंक के शिप पे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मल वर्क होते हैं डे टू डे। वॉच होती है बंदों की जो इंजन में है या डेक में है, वो वॉच करते हैं, और जो भी इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज होता है जो भी टैंक के शिप पे, वो कैप्टन होता है जो कि लोडिंग और अनलोडिंग देखता है।